तो दोस्तों बस एक दिन बाद कमला चमकेगी, चूड़ी खनकेगी। गलत हो गया। तो मेरे कहने का तात्पर्य बस ये है कि बस एक दिन बाद यानी कल यानी कि 8 जून वेडनेसडे को आ रही है हॉटस्टार पे मार्वल की नई सीरीज मिस मार्वल। और जब मैंने इसका वो टीचर देखा था ना, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे उसका बेस्ट पार्ट लगा था उसका रिलेटेबल होना। नहीं समझे, ऊपर वीडियो आई होगी, जाकर देख लेना। पर भाई जो हमारा ये नसीब है ना, इतना बेकार है पूछो मत। कल को ये सीरीज तो आई रही है पर इसके साथ में आ रहा है ब्लैक एडम का ट्रेलर। पर खैर तब की तब देखेंगे, अभी मैं आपके सामने हाजिर हूँ थोड़ा सा ज्ञान और बहुत सारी बकवास पेलने के लिए इस बारे में कि आपको सीरीज देखने से पहले क्या क्या बातें पता होनी चाहिए और टेंशन नहीं लेने का। ये सीरीज मैंने भी नहीं देखी है तो भाई स्पॉयलर्स भूल जाओ। तो हर बार की तरह बिना कोई देरी किए चलिए बकवास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेट मी टेल यू कि आखिर ये मिस मार्वल है कौन। तो कमाला खान या मैं बोलूं मिस मार्वल न्यू जर्सी में रहने वाली एक हाई स्कूल की छात्रा है और वो अवेंजर्स की एक बहुत ही बड़ी फैन है। जैसे कि हम लोग है ना अवेंजर्स के, जस्टिस लीग के, बॉयज के, इनविंसिबल के, इन सब के, ठीक वैसे ही। और भाई खासकर वो सबसे बड़ी फैन है कैप्टन मार्वल की। उसके लिए उसकी आइडल, उसकी इंस्पिरेशन सब कुछ कैप्टन मार्वल ही है। मतलब कि जो जगह मेरे दिल में कैप्टन अमेरिका और गोकू के लिए है, वही जगह उसके दिल में कैप्टन मार्वल के लिए है। और जब वो ये डिस्कवर करती है कि उसके अंदर एबिलिटीज हैं शेप शिफ्टिंग की और मिस्टर फैंटास्टिक की तरह ऐसे लंबा होने की, तो वो तय करती है कि वो अपना नाम रखेगी अपनी आइडल के नाम पे, अपनी इंस्पिरेशन कैरल डैनवर्स के नाम पे, और इसलिए वो अपना नाम रखती है मिस मार्वल। पर हाँ फिलहाल ये नहीं पता कि शो के अंदर उसकी पावर्स चेंज करी हैं कि वही हैं। पर हाँ देखने में लग रहा है कि इसकी पावर्स चेंज करी गई हैं काफी हद तक। और भाई ये भी लग रहा है कि इसकी कुछ पावर्स सिमिलर हैं कैप्टन मार्वल से। एंड बाय चांस अगर आप नहीं जानते तो भाई कमाला खान मार्वल की पहली मुस्लिम कैरेक्टर है। तो अब बात करते हैं शॉर्ट में कमाला खान की कॉमिक बुक स्टोरी के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं कॉमिक्स की, तो हमारी कमाला इनह्यूमैनिटी वाली कहानी के एंड में डिस्कवर करती है अपने इनह्यूमन जीन्स को और नाम लेती है मिस मार्वल। इसका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था मिस मार्वल इशू नंबर 1 में। तो क्या होता है कि एक रात को टेरिगन मिस्ट एक म्यूटेजेनिक सब्सटेंस है, तो एक रात उसमें एक फॉलआउट होता है जिसकी वजह से कमाला का DNA ऑल्टर हो जाता है और बस इस तरह पैदा होती है उसकी शक्तियाँ। उसके पास एक ड्रेस है बिल्कुल कैप्टन मार्वल जैसी और वो बैंगल्स भी पहनती है उसकी हेरिटेज सेलिब्रेट करने के लिए। और भाई एक और मेन पॉइंट, MCU के अंदर मिस मार्वल की टाइमलाइन क्या है? तो भाई लोग इस सवाल का जवाब मैंने कल दिया था WMN में और मैंने ये कहा था कि इस शो के मेकर्स ने ये बोला है कि उन्हें खुद भी नहीं पता कि ये कहाँ पे सेट है। उनका बस ये कहना है कि ये सीरीज एंड गेम के रफली 1 या 2 साल बाद सेट है। और हमारे केविन चाचा उन्होंने भी यही कहा था कि आने वाले फ्यूचर में कमाला खान बहुत सी फिल्मों के अंदर क्रॉस ओवर करेगी। तो हाँ भाई उससे ये भी लग रहा है कि ये सीरीज सेट है ठीक उसी टाइम फ्रेम में जहाँ पे हॉकाई सेट है। और हाँ भाई इससे और कुछ हो ना हो, पर एक बात तो पक्की है, आने वाले फ्यूचर में चांस बढ़ रहे हैं यंग एवेंजर्स के, फिर वो चाहे किसी फिल्म में आए या कोई सीरीज में आए, बट उनके चांस बहुत बढ़ रहे हैं। पहले केट बिशप, अब मिस मार्वल और फिर आ रही है आयरन हार्ट। तो भाई देखते हैं, दरवाजे खुल चुके हैं, अब होने को कुछ भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं इस सीरीज में दिखने वाले और किरदारों की। तो भाई देखो इस शो का बस नाम है मिस मार्वल, लेकिन यहाँ पर हम देखने वाले हैं और भी कई किरदार। तो ये बात है दिसंबर 2020 की, जब मार्वल ने कंफर्म करा था कि इस शो में कास्ट कर लिया गया है मैट लिंस को और वो बने हैं इसमें ब्रूनो कैरेली, जो कि हमारी कमाला का इकलौता फ्रेंड है। और भाई एरामिस नाइट बनने वाले हैं करीम AKA रेड डैगर, और भाई रेड डैगर है एक मास्क पहनने वाला हीरो और उसका बस एक काम है पाकिस्तान के लोगों की रक्षा करना। और सागर शेख बनने वाले हैं आमिर खान। कमाला का बड़ा भाई। और भाई फिर आते हैं रिश शाह और वो बने हैं कमाला का क्रश और एक क्लोज फैमिली फ्रेंड, और इसमें मोहन कपूर बन रहे हैं कमाला के पिता और फिर ज़ेनोबिया श्रॉफ बन रही हैं उसकी मम्मी। और भाई अब कंफर्म हो चुका है कि इसमें एक खास रोल के लिए हैं फरहान अख्तर, जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। और भाई रूमर्स आ रहे हैं कि इसमें आने वाले हैं इनह्यूमंस, द इन्वेंटर और मैक्सिमस द मैड, और वो सब बनेंगे इस सीरीज में विलन्स। और भाई ये बात तो पता नहीं कब से कन्फर्म है कि इसमें हमारी ब्री लार्सन, इसमें हमारी कैरल डैनवर्स भी आने वाली है। और भाई यहाँ से आता है हमारा लास्ट पॉइंट कि आखिरकार कैप्टन मार्वल का लेना देना क्या है मिस मार्वल से। तो भाई सबको ये लग रहा है कि इस शो में ब्री लार्सन बन रही है कमाला खान की एक सुपर मेंटोर, जैसा कि आजकल हर सीरीज में हो रहा है। तो भाई देखो ये बात समझने वाली है कि मिस मार्वल कैप्टन मार्वल को रिप्लेस नहीं कर रही है और ना ही वो दूसरी कैरल डैनवर्स बन रही है। मिस मार्वल एक पूरी अलग कैरेक्टर है, कैप्टन मार्वल कमाला खान की सुपर हीरो पहचान और उसके नाम के लिए एक इंस्पिरेशन है। और भाई ध्यान रखो
इस बात के चांस बहुत हाई हैं कि हम इस शो में एक कोलैब देख पाएं कैप्टन मार्वल और मिस मार्वल का, और क्या पता कि शो में आ जाए मारिया रैम्बियो की बेटी मोनिका रैम्बियो। भाई सच में एवरीथिंग इज पॉसिबल इन MCM, मार्वल सिनेमैटिक मल्टीवर्स। और हाँ भाई, इस पूरे शो में कैप्टन मार्वल को लेके आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट्स में लिखना जरूर। और इसी के साथ हम खत्म करते हैं इस वीडियो को। भाई लोग, ये थी वो सारी बातें जो आपको सीरीज देखने से पहले पता होनी चाहिए, और अगर बाय चांस कोई बात मिस हुई है मुझसे तो मुझको ना बताना कमेंट्स में, और भाई गलती से कोई गलती हुई है मुझसे तो मुझको ना बताना कमेंट्स में। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो उसको प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना, और अगर वो बटन अब भी लाल है तो उसको दबा के ना ग्रे कर दो, और बगल में घंटी है उसे भी दबा ही दो, और अगर मन करे तो मुझको ना फॉलो कर देना इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बस देखते रहो आपका अपना चैनल मूवीवर्स।